चिकन जो शुभम दिखाएगा आपको, देख सकते हैं गाइस, ये है बिल्कुल ड्राई चिकन। ये हम लोग अभी खा रहे हैं जो बिल्कुल ड्राई है, धनिया पत्ता के साथ एकदम टेस्टी वाला गरम गरम। और यहाँ पे देके भेजी है वो, ये है दाल पराठा गाइस, ये है दाल पराठा और कुछ रोटी देके भेजी है, ये रोटी और दाल पराठा हम लोग के लिए गाइस। तो टेस्ट करेगा पहले शुभम, बस हम तो खा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल टिया ब्लॉग्स। सो आज जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज आज मैं क्वार्टर में हूँ, देख सकते हैं आप लोग। आज क्वार्टर में इसलिए हैं बिकॉज आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हम मैं और मेरे दोस्त लोग हैं। आप लोगों को दिखाएंगे कौन कौन है, मैं, शुभम और गौरव, तीन ही जन हैं हम लोग। बिकॉज ज़्यादा हमको क्राउड अच्छा नहीं लगता, दोस्त लोग, ये लोग मेन दोस्त हैं मेरे। तो वही आज हम लोग पिकनिक कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टी जैसा छोटा सा पिकनिक है हम लोग का, लास्ट पिकनिक है। और ये स्पेशल दिन इसलिए है मेरे रूम का, ये क्वार्टर, बिकॉज हम लोग ये क्वार्टर सबमिट करने वाले हैं डीवीसी को, और ये मेरा लास्ट पिकनिक है। हो सकता है कि लास्ट हो, इसके बाद भी हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये क्वार्टर हम लोग सबमिट करने वाले हैं डीवीसी को, तो आज हमारा ये लास्ट पिकनिक है गाइस। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए भी, बिकॉज उन लोग को इस क्वार्टर में आने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब पहले तो बहुत बार आया है, बहुत सारा पार्टी भी किया है, बट नहीं कर पाएगा अब, बिकॉज हम लोग ये वाला जो क्वार्टर है, देख सकते हैं पहले ब्लॉग में भी आप लोग छोटा बहुत क्लिप में देखे होंगे ये क्वार्टर हम लोग का, और आज पहली बार देख रहे हैं ब्लॉग में ये क्वार्टर छोटा सा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आज। अपना थोड़ा सा क्वार्टर आपको घुमा देंगे, थोड़ा सा जो हम लोग का था छोटा मोटा, जो हम लोग का क्वार्टर था उसको दिखा देंगे। और वहाँ पे शुभम और गौरव, वहाँ पे वो लोग प्रिपेयर कर रहा है चिकन। और टिया को इस ब्लॉग में नहीं है, बिकॉज टिया को रोटी बनाने के लिए दिए हैं, वो रोटी बनाएगा, बिकॉज हम लोग को रोटी बनाना आता नहीं है। तो टिया रोटी बनाएगी और हम लोग चिकन बना रहे हैं, वो भी स्पेशल चिकन है गाइस हम लोग का। तो गौरव, मैं और शुभम बना रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। सो गाइस, देख सकते हैं ये हमारा जो क्वार्टर है, छोटा मोटा क्वार्टर था हम लोग का डीवीसी का, ये वाला, इसमें हम लोग रहते थे, इसी में हम लोग रहते थे गाइस। और इसको बहुत मिस करते हैं हम, नया घर जाके, नया घर तो चले गए हैं, बट मेरा मन मेरा यहीं पे है, बहुत अच्छा लगता है ये क्वार्टर हमको। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि ये लोग दोनों क्या कर रहा है वहाँ पे, देख सकते हैं गाइस, दोनों बैठा हुआ है लोग यहाँ पे। ये शुभम, गौरव पहले देख चुके हैं ब्लॉग में, और ये हमारा किचन था, और यहाँ पे बन रहा है चिकन, और रोटी बना रही है टिया, बिकॉज उसको दे दिए हैं, रोटी बनाने आता नहीं है गाइस हम लोग यहाँ पे। तो देख सकते हैं गाइस, चिकन है, ये सारे मसाला है, और प्याज और जो आधी लहसुन है वो चला गया है कढ़ाई पे, यहाँ पे हम लोग को बन रहा है। आज बिल्कुल ड्राई चिकन बनेगा, है ना शुभम, बिल्कुल ड्राई चिकन बनेगा, और रोटी के साथ खाएंगे आज हम लोग, बिना पानी वाला एकदम ड्राई चिकन। पानी वाला कौन सा ड्राई चिकन होता है रे भाई, देख सकते हैं हमारा मेन कुक है, सब हम लोग सभी मेन कुक है यहाँ पे, और एकदम ड्राई चिकन बन रहा है गाइस। तो स्टार्टिंग हो चुका है, इसमें आपका मसाला है, आपका जीरा गोलकी है, इसमें धनिया भी है। तो गाइस बनते हुए दिखाएंगे आपको सारा कुछ, और थोड़ा बहुत अपना मेमोरीज भी बताएंगे अपना इस क्वार्टर को लेके, कि हम लोग यहाँ क्या क्या, मतलब 25 से 26 साल हम लोग यहाँ रह चुके हैं, तो एक मेरा फीलिंग्स इसके साथ जुड़ा हुआ है गाइस, ठीक है, एक फीलिंग्स मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम 26 साल, अपना 26 ईयर्स यहाँ हम रह चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत ख़राब भी लगता है हमको इस क्वार्टर को सबमिट करने के लिए डीवीसी को, लेकिन करना तो पड़ेगा गाइस, दूसरा क्वार्टर है, दूसरा डीवीसी का क्वार्टर है, तो सबमिट तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, कितना दिन रखेंगे हम लोग। तो पापा रिटायरमेंट के बाद तो इसको सबमिट करना ही होगा, देख सकते हैं, बहुत इन्जॉय किया है गाइस यहाँ पे, आप मेरा फीलिंग समझ सकते हैं, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊँगा अगर ज़्यादा बोलूँगा तो, बिकॉज यहाँ पर मैं अपने फादर को भी खोया हूँ, मेरे फादर भी यहीं से एक्सपायर किए थे, मतलब जब यहाँ पे थे हम लोग क्वार्टर में ही, उसके बाद हम लोग नया घर शिफ्ट किया था गाइस। तो बाहर का भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं, हम लोग का बाहर का कॉलोनी है, छोटा बहुत आप लोग देखे होंगे क्लिप में, हमारे दूसरे फेसबुक वाले ब्लॉग वीडियोज में और यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत देखे होंगे, देख सकते हैं हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क किए हैं अपना, मेरा और गौरव का, और ये हमारा कॉलोनी है, बहुत अच्छा कॉलोनी था गाइस, 26 ईयर यहाँ हम लोग अपना ही किए हैं। और ये मेरा छोटा सा क्वार्टर डीवीसी का, आपको एक फुल ब्लॉग बना के दिखाएंगे, मेरा क्वार्टर का रिव्यू देंगे, सरकारी क्वार्टर डीवीसी का, सरकारी क्वार्टर कैसा होता है गाइस आपको ज़रूर दिखाएंगे, देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग जितने भी नेबर्स थे अभी भी है, बहुत कोई चले गए हैं, बट अभी भी ये सामने वाले जो भी है उन लोगों को भी बहुत ख़राब लगता था जब हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे थे नया घर, उन लोग भी बोल रहे थे कि क्यों जा रहे हैं आप लोग, रहिए अभी यहाँ पे, नया घर बन गया है तो क्या बात है।
बोल ही रहे थे कि नया घर बन गया तो क्या हुआ, उसको रेंट में दे दीजिए, आप लोग यहीं पे रहिए, यहाँ पे कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो ऐसे तो प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे, 24 आवर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहता है, 24 आवर्स आपका पानी का सप्लाई है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एरिया बिल्कुल सोसाइटी जैसा है यहाँ पे, फुल ब्लॉग एक बताएंगे हम अपना क्वार्टर का, दिखाएंगे आपको पूरा सोसाइटी जिस दिन हम इस क्वार्टर को सबमिट करेंगे गाइस, ठीक है? तो उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा आप लोग, मेरा बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ा हुआ गाइस, हम अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है इसके लिए, तो आपको इसीलिए ये बना रहे हैं बिकॉज ये दोबारा नहीं आएगा मेरे लिए, मेरे लिए दोबारा नहीं आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना हम अभी दुख में है, दुख में बोला नहीं जाएगा बिकॉज अभी हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो एक अलग ही इंजॉय है इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ हम बड़े हुए हैं खेल के। और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे कॉलोनी के, तो वो लोग भी मेरे साथ यहाँ खेल खेल के बड़े हुए हैं, क्रिकेट खेलते थे हम लोग पूरे रोड में, जैसे जिसको गली क्रिकेट बोलते हैं गाइस, तो गली क्रिकेट खेल के यहाँ बड़े हुए हम लोग। और क्या ही बताऊँ मैं, 26 ईयर्स का जो मेमोरीज है वो मैं आपको एक ब्लॉग में नहीं बता सकता गाइस, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बताते रहूँगा इस ब्लॉग के बारे में। तो अभी हम लोग चिकन बना रहे हैं, ड्राई चिकन रहेगा, और टिया को दिए रोटी बनाने के लिए, तो रोटी टिया बना देगी और यहाँ पे हम लोग ड्राई चिकन बनाएंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे कैसा हम लोग बना रहे हैं चिकन। और आज बैचलर्स लाइफ जियेंगे हम लोग, मैं तो मैरिड हूँ, वो दोनों अनमैरिड है अभी, तो वो लोग तो बैचलर ही है अभी तक, तो वो लोग तो अभी जी ही रहे हैं अपना बैचलर्स लाइफ, मैं अभी जी रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस चिकन आ गया है कढ़ाई में, और ये चिकन का एक स्पेशल बात है कि अभी तो सब गैस में बन रहा है ना हम लोग का, पहले हम लोग हीटर में बनाते थे, आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस कि चिकन चला गया है और ये हीटर में बन रहा है गाइस, हम लोग तो शुरू से बचपन से जो है हम लोग देखे हीटर ही देखे, देख सकते हैं। नहीं बैंड नहीं करेगा सरकार, कोई नहीं देखे बैंड नहीं करेगा, देख सकते हैं गौरव वहाँ सराय इसमें। और ये मसाला जाने वाला है इसमें, और एक मसाला हम भूल गए बोलने के लिए कि इसमें एक मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, वो जो सीक्रेट मसाला होता है वो भी है, घर का मसाला भी है, तो वो टेस्टी बनने वाला है आज, तो ब्लॉग में बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला। ये अलग है, स्माइल कर रहा है। और कब से तुम आ रहा मेरा इस क्वार्टर में, याद है? कब से? 2016 2016 से आ रहा है, मतलब उधर 4 साल, इधर 3, मतलब 7 साल से, 7-8 साल, 7-8 साल से आ रहा है। क्रिकेट विकेट सब हम लोग का यादें हैं, बहुत सारे यादें है गाइस, थोड़ा मोटा नहीं है। यहाँ पे आम खाना, आम तो मेरा फेवरेट, मतलब फेमस हो गया है यहाँ पे आम का जितना पेड़। और पीछे मेरा बगान भी था, आप लोग बगान का ब्लॉग देखे होंगे मेरा, जो गार्डनिंग वाला मेरा ब्लॉग था उसमें भी। गौरव तू कब से आ रहा है? तू भी वही 2016 से, तेरा भी 7-8 साल हो गया यहाँ पे। और पीछे भी कुछ स्पेस है लेकिन हम लोग खाली करने वाले हैं, देखते से गए तो कचड़ा हो गया थोड़ा सा, पीछे भी स्पेस था तो अभी रात हो गया, पीछे का जितना भी लाइटिंग था निकाल दिए हम, तो दिख नहीं रहा होगा। तो आपको एक दिन हम फुल रिव्यू देंगे अपना कॉलोनी का, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस अपना मेमोरीज को कलेक्ट करके रखने का। पहले हमको कोई आइडिया नहीं था यूट्यूब के बारे में, नहीं तो बहुत सारे मेमोरीज यहाँ पे थे मेरे क्वार्टर में, तो उसको हम अपलोड करते हैं, बहुत सारा जो है हम अपलोड किए हैं यूट्यूब में, तो मेरा मेमोरीज है अभी भी यूट्यूब में, बट बहुत सारा मेमोरीज जो है मेरा छूट गया गाइस, बिकॉज मेरा बचपन का जो मेमोरीज है वो छूट गया था, उस समय तो यूट्यूब उतना प्रचलित नहीं था, उस समय हम यूट्यूब में थे नहीं उतना, लेकिन अब यूट्यूब है तो मेरा जितना भी मेमोरीज है गाइस एक जगह सिक्योर हो रहा है, यूट्यूब में, फेसबुक में। तो आयो आप लोग गाइस सपोर्ट कीजिए। गाइस देख सकते हैं चिकन ऑलमोस्ट डन है, अभी धनिया पत्ता नहीं डलाया है, और हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत चिकन को, ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं चिकन, और ये टेस्ट करेगा, बड़ा भी टेस्ट करेगा, अब मैं भी टेस्ट करूँगा, कितना निकाल लिए हैं, और उसको हम लोग रोटी दे खाएंगे। अभी पूरा डन नहीं हुआ, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी, मतलब इतना ड्राई है एकदम, रोटी के साथ एकदम मस्त तगड़ा लगेगा खाने में। अभी धनिया पत्ता आएगा, दिखा देगा आपको अच्छा से, देख सकते हैं गाइस पूरा दिख रहा है मेरा। अब इसको टेस्ट करें, टेस्ट करें तो गाइस ये इससे स्टार्ट कर, कोई पोट खाएगा कि ना, हम खाते हैं गाइस, देखते हैं, गरम गरम है एकदम, थोड़ा मसाला लेके, गरम लग रहा है, मस्त मजा आ रहा है, एक नंबर। तो कलेजी खा लो, थोड़ा खाएगा तो एकदम बढ़िया तिखा हुआ है, मसाला भी एकदम मस्त है, खाली धनिया पत्ता जाना है, धनिया पत्ता चल जाएगा तो और बढ़िया लगेगा खाने में। गाइस देख सकते हैं ये कलेजी खा रहा है,
कैसा लग रहा बताओ? मस्त बना है। मस्त बना है ना? गौरव बनाता है तो अच्छा ही बनाता है। और इसको थोड़ा सा देख लीजिए व्यू, एकदम बढ़िया लग रहा है। कलर शायद थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन टेस्ट में एकदम बढ़िया बना है। तो गौरव टेस्ट करेगा, गौरव को भी दिखाएंगे हम लोग, नहीं दिखाएगा आपको। तो गाइस आज हम लोग का पिकनिक होने वाला है मेरा क्वार्टर में, लास्ट बार, लास्ट टाइम, एकदम एंड होने वाला है अब हम लोग का पिकनिक का यहाँ पे। अब नया घर में पिकनिक चलेगा तो वो तो अलग है, लेकिन ये एक मेमोरी है मेरा क्वार्टर का। तो यहाँ पे एक पिकनिक बनता जो कि हम फिर यूट्यूब में स्टोर करने वाले हैं गाइस। अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि कलेजी खाता है कि नहीं खाता है गौरव। गौरव तो सब खाता है। नहीं खाता है। खाता है रे। तुमको कैसा लगा पर्सनली बताओ तो? और पानी देंगे इसमें? ना ना, एकदम पानी नहीं, एकदम रोटी के साथ यही खाएगा एकदम। देख सकते कहाँ बैठा है ये लड़का, गौरव चेयर में, हम भी टूल में बैठे हैं। और ये मेरा किचन, ये किचन में इतना कुछ, इतना चिकन बना है कोरोना वायरस में, ये आधा कांटा का चिकन का हम लोग खा गए, इतना चिकन बनाया गया। देख सकते दो हीटर में हम लोग बनता था, ऊपर वाला हीटर वहां रखते थे और यहाँ नीचे हीटर एगो रखते थे। इसी में चिकन मटन मछली बहुत कुछ गाइस। यहाँ भाईचारा दिखा रहा है लोग, खिला खिला के इसको खिला रहा, उसको खिला रहा। कैसा अच्छा लग रहा तुम लोग यहाँ? एक क्वार्टर में ही ज्यादा मजा आया समझा, घर में तो रहते ठीक लगता है लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। जुड़ा है ना, हम जब यहाँ आते हैं ना तो हमको लगता है हम अपना घर में आए, वहाँ ऐसा लगता है कि लगता है फ्लैट में चले गए दूसरा घर में, लेकिन यहाँ हमको ज्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस अब उसमें धनिया पत्ता डालेगा वो गौरव, देख सकते हैं कलर आ गया पूरा बढ़िया वाला। धनिया पत्ता डालेगा तब आपको दिखाएंगे, और इसको लेंगे हम लोग एक जगह में और एक ही साथ बैठ के खाएंगे। टेस्ट करने में तुमको ज्यादा मजा आता है रे, आपसे जो भी ब्लॉग बनाएंगे ना तुम्ही को टेस्ट कराएंगे ठीक है, रिव्यू देना। अच्छा अच्छा देख सकते हैं गाइस धनिया पत्ता चला गया है, अब इसको थोड़ा फ्राई करेगा गौरव, देन इसको हम इसमें डालेंगे और एक ही साथ सब खाएंगे। अभी जाएंगे टिया के पास रोटी लाने के लिए, उसको बोले तीन जन का रोटी बना दो तो लाएगी, दे देंगे रोटी लाके। ठीक है तो आप देख सकते हैं ये टिया के लिए पैक किए, वो हम लोग के लिए रोटी बनाते दिए, उसके लिए हम लोग चिकन पैक कर दिए हैं हम लोग के हाथ का। यहाँ पे बन गया है पूरा बढ़िया वाला चिकन, जब प्लेटिंग करेंगे तब आप लोगों को बढ़िया से दिखाएंगे। अभी टिया के लिए ले जा रहे हैं इसको, तो इसको दे देंगे ये वाला, और रोटी बोले तो उसको बनाने के लिए तो वो रोटी हम लोग को दे देगी बना के, गरम गरम खाएंगे। देख सकते हैं एकदम ड्राई भूंजा चिकन, उसको भी खिलाएंगे, वो भी टेस्ट करेगी हम लोग हाथ का कि कैसा लगा कैसा बन रहा है, वो भी बताएगी, उससे नहीं रिव्यू लेंगे लेकिन फिर भी उसको खिला दे रहे। ठीक है गाइस तो चलिए। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, टिया गेट खोल दी है, उसके लिए लेकर आए चिकन। ठंडा लग रहा तुमको? रोटी इसीलिए तो आया लेने के लिए रोटी। गाइस हम लोग अपना घर आ गए, मतलब ये जो हम लोग का नया घर है, और रोटी बनाई है वो, यहाँ पे इसका चिकन रख दिए, यहाँ पे रोटी बना दी है। ये पूरा डब्बा ले जाए, पूरा डब्बा ठीक है, अभी तो खा लेंगे हम लोग नहीं है, तो जूठा हो जाएगा ना, निकाल दो ना, 15 को 16 को निकाल दो। अरे बाप रे बाप, सुनो सुनो ये दाल पराठा गाइस, ये दाल पराठा घर में भी बनाइए, रोटी ये दाल पराठा बनाइए गाइस, इसको भी टेस्ट करेंगे आज। तो रोटी उधर कम कर, 15 करो, 10 को कर दो, 10 को रोटी, रोटी आरी वाला 5 कर दो, 15 को हो जाएगा। ठीक है गाइस तो इसको देने दीजिए, वहां पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे गाइस। तो ब्लॉग में बने रहे, अभी दाल पराठा और चिकन भी खाएंगे और रोटी भी, बिकॉज टिया बन। सो गाइस हम लोग का हॉटपॉट हो गया रेडी, टिया दे दी है, चलो हम लोग अपना पुराना पुराना घर, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हाँ, तो चलते अब हम लोग जमा देने वाले है। हाँ सो गाइज हम लोग का रेडी हो गया है चिकन और रोटी, और टिया एक चीज और दी है इन लोग के लिए कि टेस्ट आया खाने में, वो दी है दाल पराठा जो कि आप ब्लॉग में पहले देख चुके हैं, गौरव को नहीं पता था तो गौरव से टेस्ट करवाएंगे दाल पराठा और चिकन। गौरव टेस्ट करके बताया कैसा बना है, और उसको भी खराब लग रहा था कि हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, वो यहाँ आई नहीं, उसको कभी और लेके आएंगे किसी और दिन। सुनैना को अभी, सुनैना बोल रही थी कॉल पे कि भैया आप लेके नहीं आए हमको, तो सुनैना को और टिया को दूसरा दिन कभी पार्टी दे देंगे यहाँ पे,
तो देख सकते हैं हम लोग रेडी है यहाँ पे, यहाँ ऊपर में बैठ के ही खाएंगे गाइस। तो दिखाते हैं आपको कि कैसा हम लोग प्रिपरेशन किए हैं सारा कुछ, चिकन कैसा लग रहा है दिखने में और दाल पराठा रोटी कैसा लग रहा है, तो दिखाते रुकिए गाइस सबको। जितना कुछ बना था जैसे चिकन और रोटी बना दिए टिया, और एक चीज टिया देके भेज दी है वो है दाल पराठा, स्पेशली इन दोनों के लिए, गौरव के लिए, शुभम के लिए। हम तो पहले खाएंगे, लोग टेस्ट करेगा। तो पहले आप लोग को दिखाते हैं चिकन जो शुभम दिखाएगा आपको। देख सकते हैं गाइस ये है बिल्कुल ड्राई चिकन, ये हम लोग अभी खा रहे हैं जो बिल्कुल ड्राई है, धनिया पत्ता के साथ एकदम टेस्टी वाला गरम गरम। और यहाँ पे देके भेजी है वो, ये है दाल पराठा गाइस, ये है दाल पराठा और कुछ रोटी देके भेजी है, ये रोटी और दाल पराठा हम लोग के लिए गाइस। तो टेस्ट करेगा पहले शुभम, बस हम तो खा चुके हैं, गौरव कैमरा के पीछे है, तो पहले शुभम टेस्ट करके बताया कि दाल पराठा कैसा बना है और चिकन कैसा बना है। तो टेस्ट करो शुभम। हाँ थोड़ा मसाला लेके खा। हाँ। तो कैसा बना बता। मस्त बना है दोनों, मस्त बना है दोनों। तो गाइस हम भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा बना है। हम तो चिकन टेस्ट करना चाह रहे हैं गौरव का, तो मसाला लेंगे, मसाला से चेक करेंगे। देख सकते हैं गाइस ये मसाले के साथ हम टेस्ट करें, बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस। तो इसको पूरा खत्म करते हैं हम लोग, उसके बाद ब्लॉग आप लोग कंटिन्यू करवाते हैं। गाइस देख सकते हैं कितना दिन बाद इसको देख रहे हैं हम। चिंकी ये हमारी एक डॉग है, चिंकी नाम है इसका। तो हम लोग खाना खत्म कर चुके हैं अपना, तो इसको जो बचा वाला था हड्डी जो है चिकन का वो दे दिए है चिंकी। कितना दिन बाद इसको मिल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं इस कॉलोनी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं है कॉलोनी में, बेचारी एकदम सूख गई है, ये जा नहीं सकती ना नया घर में रहने, तो इसको लेके चल जाते हैं हम। और भी कॉलोनी वाले इनको इसको खाना देते हैं, ऐसा नहीं नहीं देते हैं, देते हैं ठीक है। हो गया, देख सकते हैं गाइस और भी सारे वीडियोस में देखेंगे आप इसको, लेकिन ये हमारी एक डॉग है चिंकी। कितना कुछ फीलिंग्स याद आ रहा है हमको। ठीक है गाइस तो खाना ख़त्म हो गया, हम लोग सारा कुछ रेडी हो गया देख सकते हैं, और बर्तन ये लोग मेरे लिए छोड़ दिया यहाँ पे धोने के लिए, है ना। ठीक है गाइस तो चलते हैं घर, हाथ धो के बर्तन भी धो देंगे हम ही, नहीं तो घर लेके चल जाएंगे टिया से धुलवाएंगे क्या। हाँ तो चलते हैं घर। सो गाइस चलते हैं घर, खाना खत्म हो गया, पार्टी भी खत्म हो गया, 10 बज गया है रात का, बहुत लेट हो गया है, तो चलते हैं घर। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, एंड ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में जब हम लोग इसको सबमिट करेंगे वो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, अपना क्वार्टर का, सरकारी क्वार्टर जो था हम लोग डीबीसी का, उसका पूरा दिखाएंगे आपको जब हम लोग उसको सबमिट करेंगे। ऐसे में बीच में तो बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे हम लोग नया घर का, लेकिन दिखाएंगे। ठीक है गाइज, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।